नमस्कार, 10 बजे की बड़ी बहस में आपके साथ मैं आदिति क्या। तो आप समझ गए होंगे, उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री की 30 अप्रैल की जो भविष्यवाणी थी आखिरकार वो सच साबित हो गई। 3 जून को बीएसपी के गठबंधन तोड़ने के बाद अब दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी भी खुलकर सामने आ गई। कल लखनऊ में हुई बैठक में मायावती ने कहा कि गठबंधन उनकी भूल था। यही नहीं, उन्होंने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। मायावती ने यह भी आरोप लगाया कि ताज कॉरिडोर केस में मुलायम सिंह ने बीजेपी के साथ मिलकर उन्हें यानी मायावती को फंसाया था। मायावती ने खुलासा किया कि अखिलेश यादव ने उन्हें कहा था कि मुसलमानों को ज्यादा सीटें ना दी जाए, नहीं तो ध्रुवीकरण बढ़ेगा। मायावती ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें हार के बाद फोन तक नहीं किया। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने से उन्हें नुकसान हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी का वोट उन्हें ट्रांसफर ही नहीं हुआ। मायावती ने अखिलेश पर यह भी आरोप लगाया कि भीतरघात करने वाले नेताओं पर अखिलेश ने कोई कार्रवाई ही नहीं की। मायावती ने यह भी ऐलान किया कि अब गठबंधन की कोई गुंजाइश बची नहीं है और यूपी में विधानसभा उपचुनाव की 13 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में सवाल यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बुआ ने बबुआ को धोखा दे दिया। मुसलमानों का नाम तो बहाना है, उत्तर प्रदेश में मायावती को अपना काम बनाना है। अखिलेश और मायावती के गठबंधन पर क्या सच साबित हुई? बल्कि इसमें तो सवाल ही नहीं है, सच साबित हुई प्रधानमंत्री मोदी की भविष्यवाणी। बुआ बबुआ भैया वाली बीएसपी से क्या होगा बहुजन हिताय? उत्तर प्रदेश में गठबंधन का दौर खत्म, एकला चालो पॉलिटिक्स की क्या अब शुरुआत हो गई है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दूं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जयराम विप्लव हैं, रामदत्त त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ आशुतोष मिश्र पॉलिटिकल एनालिस्ट और कांग्रेस की तरफ झुकाव, साथ ही हमारे साथ अशोक भारती हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं। और अशोक भारती जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है सर। मेरा सवाल ये है कि शून्य से मायावती 10 तक पहुंच जाती हैं, तो क्रेडिट मायावती को और हार का ठीकरा अखिलेश यादव पर। जी नहीं, मुझे लगता है कि बहन मायावती जो कह रही हैं वो दलित समाज की जो चिंताएं हैं उससे मेल नहीं खाता है। और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से अब दलितों के खिलाफ जा चुकी है और देश में जो एक जिस तरह का दलितों को उनके कदमों से बहुत सेटबैक लगा है और मायावती पूरे देश के दलितों को धोखा देने वाले तबके के तौर पे पेश कर रही हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि देश का दलित समुदाय अब मायावती के साथ नहीं है। उत्तर प्रदेश के चुनाव उन्होंने भी बहुत सब्र के साथ देखा था और दलितों ने जमीन पे दबाव बनाया था जिसकी वजह से मायावती जी को अलायंस करना पड़ा था। मुझे लगता है कि जब 2022 का चुनाव होगा बहन मायावती को पता लग जाएगा कि दूध कहाँ है, पानी कहाँ है, ये सब पता लग जाएगा उनको। ठीक है, रामदत्त त्रिपाठी जी, आपको भी यहां पर लेकर आना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आपकी पैनी नजर है। इस समय अगर इस तस्वीर को आप देखें, एक कॉमन मैन के नाते, कॉमन वुमन के नाते, ऐसे लग रहा है कि मायावती ने अपना काम निकाला और अखिलेश यादव को धक्का मार दिया, शून्य से 10 पर पहुंच गई और हार का ठीकरा भी अखिलेश यादव पर। आपकी बात सही है और देखिए वास्तविकता यह है कि अगर आप सीट टू सीट एनालाइज करें तो हर सीट पर 2014 के मुकाबले बहुजन समाज पार्टी के वोट बढ़े हैं। तो मायावती को डेफिनेटली गठबंधन से फायदा हुआ क्योंकि 2014 में 0 सीट मिली थी, एक भी सीट नहीं मिली थी और अब बढ़ के 10 हो गई। नुकसान तो कायदे से समाजवादी पार्टी का हुआ कि जिनकी फैमिली की भी 3 सीटें चली गई और केवल 5 रहीं। लेकिन मायावती की पुरानी आदत है कि वो कभी भी हार की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेती। इसके पहले एक बार उन्होंने कहा था कि साहब हम मुसलमानों ने हमको वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए। अब इस बार उनका कहना है कि साहब समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट नहीं दिया इसलिए हम हार गए। तो जाहिर है कि मायावती अपने ऊपर आंच नहीं आने देना चाहती, आत्मनिरीक्षण नहीं करना चाहती और मुझे लगता है, लेकिन इस सब के बावजूद, समाजवादी पार्टी पर ठीकरा फोड़ने के बावजूद उन्होंने एक गुंजाइश छोड़ रखी है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अभी उपचुनाव में हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन आगे के लिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने रास्ता हमेशा बंद नहीं किया क्योंकि उन्हें मालूम है
कि इस समय बहुजन समाज पार्टी की वो ताकत नहीं है जो काशी राम जी के जमाने में थी। काशी राम जी पूरे एक समाज को जोड़ के रखते थे, अति दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक सबको जोड़ के रखते थे, और इन तबकों के ऑफिसर बड़ी साथ तादाद में काशी राम के साथ थे। लेकिन अब दलित इंटेलिजेंसिया का मोह भंग हो गया है मायावती से, जैसा कि हम सुन भी रहे हैं। अभी अशोक भारती ने साफ साफ कहा कि अगर मायावती ये सोच रहे हैं दलित समाज उनके साथ है तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जयराम विप्लव, प्राइम मिनिस्टर ने तो ये तस्वीर 30 अप्रैल को ही दिखा दी थी जनता को। अदिति जी, ये महामिलावट का साइड इफेक्ट सामने आ रहा है। ये तो पहले से जग जाहिर था कि ये लोग एक डर के कारण, अपने अपने स्वार्थ के कारण, अपनी खोई हुई जमीन को बचाने के लिए एक साथ आए थे, तो जनता ने भी उस बात को बखूबी समझा है। और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, तो मायावती जी का ये स्टेप जग जाहिर था। अब कल की घटना को देख लीजिए, मायावती जी को अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा विश्वास नहीं है। बैठक में जाने से पहले सभी के मोबाइल जब्त कर लिए गए बाहरी, तो उनको समाजवादी पर भरोसा कब तक रहता? ये तो होना ही था। देखिए, जो देश में परिवारवादी और व्यक्तिवादी वंशवादी पार्टियां हैं, जो कि मायावती जी ने भी कल सिद्ध कर दिया, पुनः अपने भाई को नंबर दो की पोजीशन दी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, और अपने भतीजे को उन्होंने राष्ट्रीय संयोजक बना दिया अपनी पार्टी का। तो इन पार्टियों के मुखिया अभी भी जनता का नब्ज समझने में नाकाम है। और इसका असर क्या दिख रहा है कि उन पार्टियों के जो कार्यकर्ता, जो सांसद, जो नेता, विधायक जनता के बीच में रहते हैं, उनको जनता की भावनाएं, जनता का आदेश, जनता का मूड समझ में आ रहा है। इसलिए आप देखिए, टीडीपी के राज्यसभा का पूरा संसदीय दल 6 में से 4 टूट करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। कल ही झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल पूरा टूट गया 90%, और उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली। और आजकल तो बिहार में भी यही चल रहा है, ठीक है, कांग्रेस, हम, ये सब मिलकर के तेजस्वी यादव को दोषी करार दे रहे हैं, और तेजस्वी भैया हार की खीज लंदन में निकालने के लिए बिल्कुल अंग्रेजी में कहते हैं, पूरा विपक्ष धराशायी हो चुका है। सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड फेलियर इज एन ऑर्फन, मतलब नाकामी जो होती है वो नाथ होती है, कोई हार की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। आशुतोष मिश्र, गठबंधन तो कांग्रेस ने भी किया था विधानसभा चुनाव में, आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं उसके बाद मायावती ने एक कड़ा सबक सिखाया गठबंधन की राजनीति को। सवाल है, जातिवाद और अवसरवादी राजनीति करती आई है ये। लोकसभा इलेक्शन के पहले भी जो है अन्य राज्यों में जो है कांग्रेस से जो है टोलमोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहां इनकी दाल गली नहीं। इनकी जो राजनीति है सारी स्वयं और स्वयं के फैमिली पे डिपेंडेंट है। और जैसे अभी जो है श्री जयराम बता रहे थे कि जो है टीडीपी के 4 एमपी टूट के चले गए भाजपा में, तो अगर आपको याद हो तो इसमें से 2 ऐसे हैं जिन पे इनकम टैक्स और ईडी का जोर है। तो मायावती को शायद ये लग रहा होगा, मायावती की तो बीजेपी से पुरानी दोस्ती है, उनको लग रहा होगा कि अब ये दुकान चलानी है अपनी जातिवाद की, तो ऐसा रखो कि जिस तरफ बढ़िया दाम मिले उस तरफ मिल लो। ये इनकी कोई जो है अब इसके सोच नहीं है। आशुतोष जी, बस एक जानकारी दे दूं आपको, सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और रॉबर्ट वाड्रा, ये तीनों ईडी और इनकम टैक्स में फंसे हुए हैं, उनकी ज्वाइनिंग कब करवा रहे हैं आप? सर, ये मेरे डिबेट का टॉपिक नहीं है, प्लीज प्लीज हम टॉपिक पे रहे, हम मुद्दे पर बात करें, हम गठबंधन की राजनीति पर बात करें, हम अवसरवादिता पर बात करें। लेकिन आशुतोष मिश्र, अवसरवादी कौन सा दल नहीं है? कांग्रेस अपने धुर विरोधियों के साथ आकर खड़ी हुई है, जिन मायावती को आज आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पिछले साल आपको याद होगा इन्हीं मायावती का हाथ पकड़ के सोनिया गांधी खड़ी हुई थी। आज जिन्हें आप अवसरवादी बता रहे हैं, जिन्हें आप ऑपर्चुनिस्ट कह रहे हैं, उन्हीं का हाथ थामे हुए थी कांग्रेस। लेकिन यहां पर मेरा सवाल अशोक भारती जी आपसे भी है, बहुजन समाज कहने वाले आज परिवार जन में जाकर फंस गए, बहु की जगह अब परिजन आ गया है, बहुजन नहीं रहा, परिजन हो गया। जो सियासत, जिस बात से कांशीराम ने इस पार्टी को दूर रखने की कोशिश की थी, जो उनका सक्सेसर आई मायावती, उन्होंने उसी के साथ उसको जोड़ दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सन 2006 में उसमें मौलिक बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ जाना उसने शुरू किया। 2006 में मान्यवर का परिनिर्वाण हुआ,
और उसके बाद धीरे धीरे करके जो बहुजन था वो केवल एक बिरादरी तक सीमित कर दिया गया। और मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में जो महागठबंधन बना वो एक बिरादरी से निकल के दूसरी बिरादरियों तक जाने का एक प्रयास था, लेकिन बहन मायावती के इस कदम ने तीन चीजें की हैं। एक तो पूरे देश में जो बहुजन बनने की एक पॉसिबिलिटी थी उसकी पीठ में छुरा भोंका है। दूसरा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वो हीरो और हीरो वर्शिप में यकीन नहीं करते हैं, मायावती जी ने केवल और केवल अपने परिवार पे भरोसा दिखाया। जी, परिवार पर भरोसा की बात आप कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन एक बड़ी भूल थी, ये मायावती का कहना है। मुलायम सिंह ने मुझे ताज कॉरिडोर में फंसाया, ये आरोप अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। साथ ही आपको ये भी बताया कि मन माफिक नतीजे नहीं आए क्योंकि समाजवादी पार्टी कमजोर थी। ये सिलसिलेवार तरीके से वो आरोप जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव ने हार के बाद फोन भी नहीं किया जब चुनाव नतीजे आए, तो ये वो तमाम आरोप जो मायावती एक एक कर लगा रही हैं। लेकिन रामदत्त त्रिपाठी जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है, ये जो अब आरोप मायावती लगा रही हैं इसमें से नया आरोप क्या है भाई? जो मुलायम सिंह यादव को लेकर कहती हैं पुराना आरोप है, वोट ट्रांसफर की बात करती हैं वो, उस पर तो सीधी सी बात यह कि वोट ट्रांसफर का कोई साइंटिफिक फॉर्मूला तो है नहीं। तो मायावती जब ये बात कहती हैं कि मुझे तो यादवों का वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ, मुझे तो समाजवादियों का वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ, उसका आधार क्या है? नहीं नहीं, देखिए साफ बात है, अगर आप बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिले हैं उनको एनालाइज करेंगे तो मायावती की बात गलत साबित होती है, क्योंकि सभी सीटों पर जहां वो जीते हैं या नहीं भी जीते हैं, जो वो लड़ी हैं 38 सीटों पर, उनके वोट बढ़े हैं। तो अगर सपा के मतदाताओं ने वोट नहीं दिया होता तो कहां से आते? और एक फायदा जो सबसे बड़ा हुआ है मायावती को गठबंधन से कि अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय का वोट खूब मिला है उनको, तो मायावती का ये कहना गलत है। लेकिन मायावती जी की देखिए एक पुरानी आदत है कि वो अवसर के हिसाब से तर्क गढ़ लेती हैं। जैसे पहले वो अपनी सभाओं में खुलेआम वो और उनके नेता कांशीराम जो सवर्णों को गालियां देते थे, लेकिन बाद में जब उनका साथ चाहिए था तो उन्होंने तर्क गढ़ लिया कि जो है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के साथ एकदम खुला खुला जो है वो एक तरह से गठबंधन किया, भाईचारा कमेटियां गठित की, इसी तरह अभी जब वो गई थी मैनपुरी में चुनाव प्रचार करने तो उन्होंने मुलायम सिंह की बहुत तारीफ की, कहा वो पिछड़े वर्गों के असली मसीहा हैं। लेकिन वो देखिए तर्क गढ़ती रहते हैं, एक जमाने में वो बीजेपी के साथ बिल्कुल गई थी और कभी बीजेपी को मनवादी कहती है, फिर बाद में वो गुजरात में मोदी जी के पक्ष में प्रचार करने भी गई थी। तो मायावती जी को इस बात की महारत हासिल है कि वो अवसर के हिसाब से तर्क गढ़ लेती हैं और उनको इस बात का कोई शर्म लिहाज नहीं होता कि पहले क्या कहा था। जयराम विप्लव, जो बातें अभी रामदत्त त्रिपाठी ने कही कि मायावती ने कैसे यू टर्न लिया है, उन्होंने दो बातें कही हैं यहां पर। एक बड़ी बात जो वो कहती है, वो कहती है कि मुझसे समाजवादी थे जिन्होंने, समाजवादी पार्टी थी जिन्होंने मुझे मुसलमानों को टिकट नहीं देने दिया। कुल मिलाकर जिस पोलराइजेशन की वो बात कर रही हैं, और आज अगर वो इस बात को उठा रही हैं तो आप और मैं दोनों जानते हैं वो क्या करना चाह रही हैं, वो सीधे 2022 के बारे में सोच रही हैं। देखिए ये होना ही था, जमीन पर स्थिति अलग थी, इसको समझने की आवश्यकता है। ये जो मायावती जी का कथित रूप से वोट बैंक रहा और जो समाजवादी पार्टी का अपना कैडर है, दोनों के चरित्र में बिल्कुल विरोधाभास था। एक पीड़ित था और दूसरा उसका शोषण करने वाला, उसको पीड़ित करने वाला था। और ये देख लीजिए जमीन पर जो लड़ाई थी, आपने ऊपर दो नेताओं ने तो आपस में गठबंधन कर लिया, लेकिन जो समुदाय किसी दूसरे समुदाय से पीड़ित था, समाजवादी गुंडों से पीड़ित था, वो कैसे उनके साथ जाता? तो ये एक अंदर ही अंदर विरोधाभास था और वो खुलकर के परिणाम में सामने आ गया। अब मायावती जी को भी मालूम है कि संसद में तो चलो 10 सांसद उनके पहुंच गए, वहां उनकी दुकान चल रही है, अगले 5 साल चलेगी। अब विधानसभा में किसी भी तरह अपने आप को खड़ा करना है, इस कवायद में वो जुड़ गई है और ये पूरा का पूरा उनका नैरेटिव सेट है। आप देखिए एक प्रकार से पूरे विपक्ष ने धीरे धीरे सच को स्वीकारना शुरू कर दिया है। कल ही सलमान खुर्शीद साहब का भी बयान आया कि सुशासन और विकास की सुनामी थी, मोदी जी की सुनामी थी, जिसमें जो नकारात्मक शक्तियां थी वो बह गई। तो मोदी जी की जो सुनामी है उसमें मायावती जी को भी सच समझ में आ गया, लेकिन मायावती जी को सच समझ में आ गया। ठीक है मायावती जी को समझ में आ गया। लेकिन आशुतोष मिश्र, कुल मिलाकर वापस बात वही
धर्म की सियासत में तो मुसलमानों को टिकट देना चाहती थी, समाजवादी पार्टी ने देने नहीं दिया, कहा पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इसमें जो है एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश कर रही है मायावती। अगर अगर आप देखें तो इस लोकसभा इलेक्शन में इन मायावती का वोट परसेंटेज 19 के आसपास रहा है, जो कि इनके पास रहता है, ज्यादा कम नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी का जो है वोट प्रतिशत करीब 5% नीचे आ गया है, और समाजवादी पार्टी MY मुस्लिम यादव उनका जो है बेस था, और मायावती जो है अब चाहती हैं कि दलितों के साथ मुस्लिम जुड़ें। तो ये वो एक कहानी बनाने की कोशिश कर रही हैं कि जो है जैसे कि उनको मुसलमान वोट जो कि शायद समाजवादी पार्टी के नाम पे मिले होंगे, अब वो उनके साथ जुड़ जाएं। और उनकी सीधी सी एक सिंपल लॉजिक है उनका कि भाई मैं तो जो है जहां पे लोगों को जरूरत होगी मेरे साथ मिल जाएंगे, वो तो बीजेपी के साथ भी काम कर चुकी हैं। ठीक है, ठीक है, उसके जो भाई हैं सर वो अवसरवादिता को लेकर डिस्कशन कर चुकी हूँ, लेकिन अशोक भारती जी छोटा सा कमेंट आपका भी लेना चाहती हूँ कि अब दलितों से ज्यादा मुसलमान याद आने लगे क्योंकि 2022 पर निगाहें। देखिए मुझे लगता है कि बहन मायावती जो मेरठ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था, अगर मायावती जी का पूरा देखेंगे, अगर इस देश में बहन मायावती का कोई भाई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी है, ये बात हमको समझना पड़ेगा। इसलिए बहन मायावती एक ऐसा माहौल क्रिएट करेंगी जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो और मुसलमानों को मुगालते में रखा जा सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पे जो दलितों में, पिछड़ों में, मुसलमानों में जो एक एकता हो रही थी, बहन मायावती की राजनीति के लिए भी वो एक बहुत बड़ा खतरा है। वो ऑलरेडी दलितों को चमार और गैर चमार में बांट चुकी हैं, यादव गैर चमार गैर यादव में बांटने की कोशिश कर रही हैं, और अब वो जो है जाटव यादव और मुस्लिमों के बीच में एक फर्क डालना चाहती हैं। देखिए मायावती जी की अपनी सियासत है, लोकसभा चुनाव के दौरान खुल करके उन्होंने प्रचार में इसी मुस्लिम वोट बैंक का, मुस्लिम तुष्टिकरण का सहारा लिया था। उन्होंने खुलेआम इस लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को सीधे सीधे उन्होंने मुखातिब होकर के कहा कि आप बसपा को वोट करिए, महागठबंधन को वोट करिए। तो मायावती और मुलायम सिंह जी के भीतर आपस में ये तो लंबे समय से एक होड़ रही है कि मुसलमानों के वोट बैंक को कैसे हम जोड़ें। एक तरफ मुलायम सिंह जी यादवों के साथ मुस्लिमों को जोड़ करके MY समीकरण बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये दलितों के साथ मुसलमानों को जोड़ करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। कोई नई बात नहीं, सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे राजनेताओं का, उसमें जो M है वो अभी भी बरकरार है, भले ही 23 मई को जो नतीजे आए हों वो ये दिखाते हों कि जात पात धर्म की सियासत को वोटर ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मायावती उसी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, जात पात की सियासत, धर्म की सियासत का इस्तेमाल करके 2012 में अपनी सियासत को आज भी साधने की कोशिश कर रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुके, बड़ी बहस ब्रेक पर भी जारी। तो जी न्यूज पर बड़ा सवाल हम यही उठा रहे हैं कि क्या बुआ का छल, बुआ के साथ बुआ का छल गठबंधन की राजनीति के लिए बड़ा सबक है, और कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी, ये जो मुसलमानों को लेकर ये जो बयान है मायावती का, ये अपने आप में बहुत ही प्रोवोकेटिव बयान है। मायावती मुसलमानों को लेकर देवबंद में उन्होंने क्या कहा था, और उसके बाद चुनाव आयोग ने कैसे उनके खिलाफ एक्शन लिया था, वो भी दुनिया ने देखा है। लेकिन कुल मिलाकर 23 मई के नतीजे कुछ भी दिखाते हो, लेकिन मायावती मुसलमानों को ही आज भी अपने वोट बैंक को साधने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सपा और बसपा में काफी दिनों से मुस्लिम मतों को लेके कंपटीशन भी रहा है, और मायावती को मालूम है कि केवल दलित वोट से काम नहीं चलेगा, और खासकर ये भी मालूम है कि जो मुस्लिम समुदाय एन ब्लॉक वोट देता है, तो इसलिए वो मुस्लिम समुदाय की हमदर्दी पाना चाहती हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं ज्यादा टिकट देना चाहती थी, लेकिन अखिलेश यादव, रामदत्त त्रिपाठी जी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जाहिर है कि सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल है, हमने देखा 23 मई को धर्म जात पात ये जो सियासत थी ध्वस्त हो गई, क्या इसे आज भी ये कहूं कि 2022 से पहले भी मायावती अपने सबक नहीं ले रही है, उनके इस अजम्पशन का आधार क्या है? ये बात सही है कि
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी चुनावी रणनीति बनाई थी 2014 में और आज भी वो इसी के इर्द गिर्द है, वो किसी न किसी तरह ये साबित भाजपा करती है कि जो बाकी सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ये सब मुस्लिम परस्त हैं, हम ही केवल हिंदू हितैषी हैं या हिंदुत्व वाली पार्टी है। तो जाहिर है कि बीजेपी की जो रणनीति है वो मायावती के इस तरह के कहने से बीजेपी को ही और फायदा होगा, वो और हिंदू वोट कंसोलिडेट करेंगे। ठीक ठीक सर, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में बहस की शुरुआत होगी। मंत्री सारंगी करने वाले हैं बहस की शुरुआत, हिना गावित बहस में दूसरी प्रवक्ता होंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे बहस का जवाब देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, तो प्रताप सारंगी करेंगे बहस की शुरुआत और बड़ी बात यह कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री इस बहस का जवाब देंगे। साथ ही कल बीजेपी संसदीय दल की बैठक है, 9:30 बजे ये बैठक होगी सुबह संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में। प्रधानमंत्री मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद बीजेपी संसदीय दल की इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कालेधन पर संसद की स्थायी समिति आज संसद में रिपोर्ट पेश करने जा रही है। काले धन का कोई अनुमान नहीं दे पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स कोड को जल्द संसद से पास कराया जाए, डायरेक्ट टैक्स को सरल बनाने के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं और ये रिपोर्ट आज टेबल की जाएगी। काले धन का कोई अनुमान ये समिति दे नहीं पाई है अपनी रिपोर्ट में। बड़ी बातें क्या है इस रिपोर्ट की, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रख रही हूं। डायरेक्ट टैक्स कोड को जल्द से जल्द संसद से पास कराया जाए, साथ ही कालेधन को लेकर क्या नंबर है, क्या डिटेल्स है, ऐसा कोई भी अनुमान या एस्टिमेशन ये कमेटी या समिति आप कह लीजिए दे नहीं पाई है। हालांकि डायरेक्ट टैक्स कोड को जल्द से जल्द पास कराने की बात कही जा रही है और साथ ही इसे सरल बनाने की भी बात। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले तो सरल भाषा में बताइए हमारे दर्शकों को, ये जो खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इसके मायने हैं क्या? देखिए, काले धन को लेकर एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की रिपोर्ट आनी थी, जो रिपोर्ट तैयार हुई है जिसको वेबसाइट पे डाल दिया गया है और आज लोकसभा में इसे उस टेबल पे रखा जाएगा। काले धन जो देश में कितना काला धन है और देश से बाहर कितना काला धन है, इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अलग अलग एजेंसियों से इसको जांच के लिए आदेश दिया था कि इसको स्टडी करके बताए कि वाकई है कितना। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो चीज कमेटी की रिपोर्ट में आई है उसमें कोई फैक्ट जो है एज सच नहीं दिखने को मिल रहा है, ऐसा कोई कंक्रीट रिजल्ट दिखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो 3 अलग अलग एजेंसियों की जांच है और जो उनके फैक्ट फाइंडिंग है उसमें लगभग इतना वेरिएशन है कि उसको कुछ समझा नहीं जा रहा है कि क्या वाकई इसमें कुछ काले धन को लेकर जानकारी फैक्ट आ पाया नहीं आ पाया है। तो माना जा रहा है कि इसके बाद जैसे कमेटी की रिपोर्ट आज टेबल होगी उसके बाद फिर से सरकार जो है 3 महीने का टाइम देगी डायरेक्ट टैक्स कोड को लेकर एक नियम बनाने को, जिसके तहत ये जानकारी होगी कि आखिरकार कितना काला धन अभी देश में है या दुनिया में है। क्योंकि अभी तक देखिए 4-5 साल से सरकार की कवायद चल रही है, लेकिन 5 साल में भी सरकार को स्टैंडिंग कमेटी और जो तमाम सारे एजेंसीज हैं उसके जरिए कोई रिपोर्ट फैक्ट फाइंडिंग नहीं मिल पाई है और ये कहीं ना कहीं एक शर्मनाक भी और चिंता का विषय भी है। ठीक, शुक्रिया रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर के लिए। काले धन पर एक्शन की रिपोर्ट वित्त मंत्रालय से मांगी है इस कमेटी ने। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारी बड़ी बहस का कि कैसे मायावती के छल से गठबंधन की सियासत को एक बड़ा सबक मिला है। अपने आप में ये दिलचस्प है हमारे दर्शकों के लिए, आपके लिए समझना कि मायावती ने 2014 में 80 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो उन्हें 19.77% वोट मिले थे। इस बार उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद 36 सीटों पर चुनाव लड़ा और उन्हें 19.36% वोट मिले, यानी कुल मिलाकर उतने ही वोट जितने 2014 में मिले थे। तब शून्य पर रही थी, अब 10 सीटों पर पहुंच गई हैं। समाजवादी पार्टी को 2014 में 22.35% वोट मिले थे और इस बार यह पार्टी सिर्फ 18% वोट हासिल कर पाई। लेकिन बावजूद इसके जयराम विप्लव, प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि 23 मई के बाद ये कपड़े फाड़ेंगे।
देखिए महामिलावट उन्होंने इसका नाम रखा था, वो आज चरितार्थ साबित हो गया। देखिए दिक्कत कहां हुई, ये जो आप वोट परसेंटेज का आंकड़ा बता रही थी, वहां पर दिक्कत ये है कि मायावती जी के पास जो एक कथित वोट बैंक था, वो वोट बैंक भी खिसका है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है, और अखिलेश जी का भी जो MY समीकरण था वो भी ध्वस्त हुआ है। इसी कारण से दोनों के साथ आने के बावजूद उनकी वोटिंग परसेंटेज कम रही। और ये कारण क्या है, एक तरफ लोगों ने देखा कि दलित की बेटी कैसे दौलत की बेटी बन गई, कैसे नोट जन्मदिन पर नोटों की मालाएं पहना करके मायावती जी एक वसूली का काम कर रही थी, एक तरह से लेवी वसूला करती थी। अखिलेश यादव जी ने क्या किया, किस प्रकार से जनता के पैसों का दुरुपयोग किया, टाइल्स और टोटी तक उखाड़ करके ले गए, महंगे महंगे टाइल्स लगा करके आलिशान जीवन जी रहे थे, ये सब जनता ने देखा। दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि देश का प्रधान सेवक प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पांव धो करके जनता को एक संदेश देता है कि ऊंच नीच कुछ नहीं है, सफाई का काम करने वाला सबसे ऊपर है हमारे लिए। तो यह संदेश नीचे तक गया है, जो मायावती जी के वोट बैंक हो या अखिलेश जी के, उसको सर वो तो ये भी आरोप लगा रही है ना आपसे, आप पर तो ये भी आरोप लगा रही है ना, ताज कॉरिडोर में जो फंसाने की उनको कोशिश की गई मुलायम सिंह यादव द्वारा, वो आप ही के साथ मिलकर रची गई थी, ये भी तो आरोप है उनका, उस पर भी तो बोलिए आप। अब भ्रष्टाचार अगर हो रहा है और उसकी जांच ना की जाए, उस पर कभी कोई कार्रवाई ना की जाए, तो ये तो एक प्रकार की मोनोपोली है कि हम भ्रष्टाचार भी करेंगे और हमें उसकी आड़ में कुछ भी करने की छूट दे दी जाए। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई तो अभी भी चल रही है, उसकी पूरी रिपोर्ट CBI अभी भी जांच कर रही है, और उसमें जो है मुलायम सिंह जी पर भी जांच हो रही है, अखिलेश जी पर भी जांच हो रही है, गोमती रिवर फ्रंट को लेकर के, तो देखिए कहां तक जाती है बात। नहीं तो वो जो कह रही है कि आप और समाजवादी मिले हुए थे, पॉइंट तो उनका ये है ना, आप और समाजवादी मिले हुए थे, आदित्य जी मिले हुए आरोप तो लगा रही है, एक नहीं तीन आरोप एक ही लाइन में लगा रही है। अच्छी बात है, लेकिन सत्य तो यही है ना कि मायावती जी स्वयं हमारे साथ सरकार में शामिल रही है। कौन ऐसा दल है कांग्रेस को छोड़ करके जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी ना कभी गठबंधन में नहीं रहा हो, कभी ना कभी आप साथ आए हैं। तो इस प्रकार की बात देखिए, कभी गैर कांग्रेस बात के नाम पर आप भाजपा के साथ आते हैं, सत्ता में रहते हैं, और आज गैर भाजपा बात के नाम पर आप कांग्रेस के साथ गलबैयां करते हुए नजर आ रहे थे। ठीक है, ये तो आपका दोहरा चरित्र है। अशोक भारती, एक तरफ वो BJP को मनुवादी पार्टी बताती है, ठीक, वो कहती है कि ताज कॉरिडोर में मुलायम सिंह यादव ने BJP के साथ मिलकर मुझे फंसाया, और अपने दूसरे आरोप में वो ये भी कहती हैं कि यही समाजवादी पार्टी प्रमोशन में जब हम आरक्षण देना चाहते थे दलितों को तो उसमें अड़ंगा लटका रही थी। देखिए मुझे लगता है कि हमको बहन जी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि जो एक बहुत बड़ा मसला रिजर्वेशन प्रमोशन का था, वो उनकी सरकार के वक्त हाई कोर्ट में फैसला हुआ और बहन मायावती ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो हमको यह समझना पड़ेगा कि जो लोग अपने आप को दलितों के हितैषी के तौर पे पेश कर रहे हैं, तथ्य उनके खिलाफ भी जाते हैं। और मैं ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको बताना चाहता हूं कि उनको ये बात समझना चाहिए कि लोग इनके साथ नहीं थे, ये दूसरी पार्टियों के साथ जाके इन्होंने सरकार बनाई, और ये लोग उस करप्शन के बराबर के हिस्सेदार हैं। और ये जो दलित विरोधी नीतियां थी, पिछड़ी विरोधी नीतियां थी, भारतीय जनता पार्टी उसकी बराबर की हिस्सेदार है, क्योंकि इन्होंने उस लोगों को सपोर्ट किया, इसलिए ये लोग आज सत्ता में, इसलिए उससे हाथ नहीं पहुंच सकते। ठीक, सर इस पे काउंटर लेते हैं जयराम विप्लव। आप क्या बोल रहे हैं ये खुद आप भी नहीं समझ पाएंगे जब आप जाकर वीडियो देखेंगे, आप खुद ही दोहरी बातें कर रहे हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी अगर दलित विरोधी होती, आज दलितों का इतना बड़ा समर्थन हमें नहीं मिलता, और इस देश में बगैर दलितों और पिछड़ों के इतना बड़ा मैंडेट किसी सरकार को मिलना क्या संभव है क्या? और हमारा चरित्र क्या है, मैंने अभी उदाहरण देकर के आपको बताया। अरे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को किसने मारा, वो मारने वाले आप जैसे लोग ही थे, और उनके विचारों को आज दुनिया भर में फैलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जयराम विप्लव, ठीक है, जयराम विप्लव मत बोलिए, जयराम विप्लव एक सेकेंड, एक सेकेंड। अशोक भारती जी वो कह रहे हैं कि आप झूठ फैला रहे हैं। नहीं, मैं इनसे ये पूछिए कि जब ताज कॉरिडोर हुआ
तो भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ सरकार में थी या नहीं थी? ठीक, अगर सरकार में थी तो वैसे ही हो गया। एक सेकंड सर, आप जवाब दीजिए, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए ना सर, जवाब लीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार जी, जवाब लीजिए। अरे आप तो पहले दोहरी बातें मैं बार बार कह रहा हूँ, इसीलिए ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मायावती जी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको फंसाया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उस सारे प्रकरण में भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी ने भी लाभ उठाया। ये दोनों बातें कैसे संभव है? नहीं हो सकती है। और जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट को आप और हम झुठला नहीं सकते। दूसरी चीज, नहीं नहीं, वो जो बात उठा रहे हैं उसका जवाब आपको देना चाहिए। एक सेकेंड, सत्ता में तो आपके साथ थी ना वो समय, जो वो उस पर आरोप लगा रहे हैं आप पर, उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, वो आरोप लगाए वो जाए ना सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, जांच एजेंसियों के पास जाए, सत्य है तथ्य है प्रस्तुत करे। केवल यहाँ बोलने से काम नहीं चलता। हमारी सरकारें केवल मायावती जी के साथ नहीं रही, आपके पास हमारी सरकारें देश के 18 से 20 राज्यों में रही है, और कहीं पर भी आज तक एक भी मामला सिद्ध नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, कोई मामला कोर्ट तक नहीं गया। आपने हाथ देखा है, जनता की अदालत से इस बात का प्रमाण मिल गया कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हासिल करके आई है। लेकिन और आपके कह देने से ना तो हम दलित विरोधी हो जाएंगे और ना ही भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। ये चुनाव के समय तो बहुत ठीक था, जनता ने उत्तर दे दिया। ठीक ठीक, आपने उत्तर दे दिया सर, सवाल पूछने बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं डालिए मत। ठीक है सर, सुनिए, अब सुनिए आशुतोष मिश्र, जो सवाल यहाँ पर अशोक भारती उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप जब ताज कॉरिडोर करप्शन की बात करते हैं तब बीएसपी और बीजेपी पावर शेयर कर रहे थे, आज मायावती समाजवादियों पर बीजेपी के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगा रही है। देखिए, जहां तक करप्शन की बात है उसमें जो है ना भारतीय जनता पार्टी बड़ी फ्लेक्सिबल है। अभी जो है दो इन्होंने टीडीपी के राज्यसभा मेंबर्स को बीजेपी में शामिल कर लिया है, दोनों के खिलाफ नवंबर दिसंबर में भाजपा ने राज्यसभा एथिक्स कमेटी को लिखा था कि ये करप्ट लोग हैं, ये साउथ इंडिया के नए माल्या हैं, इनको जो है बाहर किया जाना चाहिए राज्यसभा से, और अब उसको भाजपा में शामिल कर लिया है। तो इस मामले में करप्शन में बड़ी फ्लेक्सिबल पार्टी है, जहां इनका जिस तरह फिट बैठती है गोली उसके साथ ये चले जाते हैं। अभी मैं सुन रहा था कि श्री बिप्लव कह रहे थे कि सबका विश्वास, भाजपा को सबका विश्वास नहीं प्राप्त है, ये तो प्रधानमंत्री भी मानते हैं। और मायावती को ये लगता है कि जो जैसे कि टीआरएस वहां पे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में वाईएससीआरपी पनपी है, और वेस्ट बंगाल में सीटें जरूर ममता बनर्जी की कम आई हैं लेकिन उनके वोट परसेंटेज बढ़ गई, तो उनको ये लग रहा है कि भाई अभी ये जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति में उनकी दुकान चल सकती है। और वो तो जो है जिसके साथ रामदत्त त्रिपाठी जैसे वेस्ट बंगाल में, आपको याद दिला दूं आशुतोष जी, वेस्ट बंगाल में आपको याद दिला दूं, वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने सब्सटेंशियल गेन्स हासिल किए, 18 सीटें और टीएमसी और बीजेपी में सिर्फ 4 सीटों का फासला है। उड़ीसा में बीजेपी ने सीटें गेन की हैं, तो पता नहीं आप जब रीजनल पार्टीज के स्ट्रांग इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं तो वो समीकरण भी अब बदल रहा है। लेकिन रामदत्त त्रिपाठी जी, वही सवाल जो मेरा आशुतोष मिश्र से था, वही सवाल सर मेरा आपसे भी है, पावर शेयर करते हैं आप और फिर आप आरोप लगा देते हैं कि मुझे तो फंसाया गया, बीजेपी ने मुझे फंसाया, समाजवादियों ने उसमें उसका साथ दिया। देखिए, जब मायावती ने गठबंधन किया था अभी जो 2019 लोकसभा चुनाव का, तो तब भी उनको ये सारी बातें मालूम रही होंगी कि भाई मुलायम सिंह यादव ने उनको ताज कॉरिडोर मामले में फंसाया, या समाजवादी पार्टी सरकार में दलितों का उत्पीड़न हुआ, ये जो भी बातें हैं, तो ये सब जानते हुए उन्होंने गठबंधन किया था। तो अब ये गठबंधन अगर बहुत उनकी उम्मीदों के हिसाब से सफल नहीं हुआ तो अब उसको वो एकदम प्रतिकूल होके और इस तरह की बातें कर रही, हालांकि हकीकत ये है कि लेकिन उन्होंने ये कहा क्यों है? मैं एक और बात आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ सर, उन्होंने मायावती ने ये बात कही क्यों? ये बात कही क्यों कि मुलायम सिंह यादव ने बीजेपी के साथ मिलकर मुझे फंसाया? क्या गेन करना चाहती है स्टेटमेंट से? मायावती अब चाहती हैं कि किसी तरह जो उनके दलित समुदाय के वोटों का एक बड़ा तबका खिसक गया है उनके पास से, तो वो दलित समुदाय की सिंपैथी वापस पाना चाहती हैं, क्योंकि इस समय दलित समुदाय में
माना जा रहा है कि उनकी जो स्वजातीय जाटो समुदाय के अलावा बाकी जो पासी हैं, वाल्मीकि है, जैसा कि अभी उन्होंने जिक्र किया कि भाई प्रधानमंत्री जी ने वहां कुंभ में उनके पैर धोए, तो इस तरह की जो छोटी छोटी जातियां हैं, धोबी है, ये सब काफी कुछ खिसक गए हैं, या तो वो बीजेपी के साथ हैं, या वो कहीं कांग्रेस के साथ हैं, कहीं कहीं सपा के साथ भी हैं, तो एक तरह से वो दलित समुदाय की सिंपैथी पाना चाहती हैं, और उसके अलावा वो मुस्लिम समुदाय का भी आगे चाहती हैं कि मुस्लिम समुदाय उनके साथ वोट, तो कुल मिलाकर 2022 के बारे में वो सोच रही है, कुल मिलाकर 2022 के बारे में वो इस समय सोच रही हैं। ठीक है, ठीक है, अशोक भारती जी, अभी तात्कालिक तो वो उपचुनाव है, जी जी जी, उपचुनाव के बारे में, क्योंकि अगर उनको लगता है कि हम उपचुनाव जीत लेते हैं तो 22 के बारे में हवा बनेगी हमारी, बिल्कुल बिल्कुल कम बैक की कोशिश कर रही है राज्य में, असेंबली में। ठीक सर, अशोक भारती जी, हाथ उठा रहे जल्दी से सर। जी देखिए, मुझे लगता है बहन मायावती जी का निशाना उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, वो मुसलमानों को अपने साथ लाना चाहती हैं, और क्योंकि उनको लग रहा है कि 2019 का चुनाव है उसमें दलित और मुस्लिम एकता ने काम किया है, जिसमें काफी सच्चाई भी है, और वो मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से और कांग्रेस से अपनी तरफ लेना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने जो है लोकसभा में भी अपना जो दलित को छोड़ के, दलित को हटा के एक मुसलमान को अपना लोकसभा में लीडर बनाया है। तो बहन मायावती का निशाना यह है, ब्राह्मण मुसलमान और दलित अगर एक हो जाएं तो कांग्रेस को रिप्लेस कर सकती हैं। मिसेज गांधी का जो फार्मूला था उसको उत्तर प्रदेश में लागू करके, वो जो उन्होंने वायदा अखिलेश के साथ किया था कि उनको सीएम बनवाएंगी, उसकी जगह अब अखिलेश को सीएम बनवाने की जगह, चूंकि पीएम बनी नहीं, अब वो खुद सीएम बनना चाहती है, तो ये उनकी राजनीति है। ठीक है, ठीक है, जयराम विप्लव। देखिए, इस प्रकार के जातिवादी विश्लेषण की 21वीं सदी में आज कोई आवश्यकता नहीं बची है। 23 मई के रिजल्ट ने यह साफ कर दिया कि देश में हर जाति हर वर्ग के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उसके नियत और नीतियों को अपना समर्थन दिया है। तो मायावती जी खूब कोशिशें कर ले, जनता के सामने उनका और अखिलेश जी का चरित्र खुल करके सामने आ गया है। अकेले उसके नाम पे मोदी जी ने वोट नहीं मांगे थे, दोनों साथ आए, और जो क्षेत्रीय दल है वो लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हर बार ये एक पुलवामा अटैक तो हो नहीं जाएगा कि आज जाके प्रधानमंत्री पुलवामा के शहीदों के नाम पे पुलवामा पे चले गए, आप अभी भी गलतफहमी में जी रहे हैं, पुलवामा पे चले गए सर, विकास के नाम पे, चुनाव खत्म हो गए, उनके नाम पे उन्होंने कभी वोट नहीं मांगे, वो हमेशा वोट मांगते रहे पुलवामा के। अरे आशुतोष जी, यही सोच आपको लेकर के कहां से कहां चली गई, कांग्रेस कहां आ गई, उसकी चिंता करिए तो कर्नाटक देश के गरीबों को जो हमारी सरकार ने डिलीवर किया, देश के विकास के जो पंख लगे, छठी अर्थव्यवस्था बन गया है, इस मंदी के दौर में भी भारत दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाला देश है, पहली बार महंगाई कोई मुद्दा नहीं थी चुनाव में, और आप कह रहे हैं कि केवल एक, और अगर वो भी मुद्दा था, वो मुद्दा होना चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस फेल रही है और हमारी सरकार ने उस पर मजबूती से कदम उठाया है, तो जनता ने समग्रता में एक एक चीज को देखते हुए वोट दिया, किसी भी चीज में हमारी नीति स्पष्ट थी, नियत साफ थी और नेतृत्व मजबूत था। अरे आज देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अगले 5 साल बिना एक दिन छुट्टी के अपने काम में लगा रहेगा, और मुझे देखने को जल्दी मिलेगा कि आपके नेता फिर से इटली और लंदन छुट्टियां मनाने भाग जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे ऐसे अगर आप लोग नीति पे बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी पे बात कर रहे हैं, तर्कों पे बात करें तो अच्छा लगता है, बनिस्बत इसके कि निजी आक्षेप करें। रामदत्त त्रिपाठी जी, एक और उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का एक और अहम पहलू, इस गठबंधन के टूटने के बाद अब एकला चालो पॉलिटिक्स की वापसी हो गई है उत्तर प्रदेश में। अब फिलहाल तो यही लगता है, क्योंकि कांग्रेस अभी अकेले चलने की बात कर रही, वो उसका भी लक्ष्य 2022 में उन्होंने कहा है कि हम पार्टी को फिर से जीवित करना चाहते हैं, और ये गठबंधन टूट ही गया है। तो लेकिन एक बात है, मायावती जी का कोई भरोसा नहीं है, अगर वो अभी उपचुनाव में अपनी ताकत का तौलेंगी कि कैसी है, और कोई ताजुब नहीं कि वो 2022 चुनाव के पहले फिर गठबंधन कर ले। लेकिन सर उसमें डिपेंड करेगा ना, उन पर भरोसा कौन करेगा, अब ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा, आप पहले भी कह रहे थे कि वो अपने पत्ते जो है खोले रखे हैं, उन पर भरोसा कौन करेगा। देखिए,
क्योंकि हमने देखा हाथी साइकिल की सवारी करके 10 सीटें निकाल कर ले गया। देखिए वो भरोसे की कोई बात नहीं, देखिए बीजेपी ने वहां टीडीपी से किया, कोई कहीं करता है, कांग्रेस का जेडीएस से चल रहा है कर्नाटक, ये तात्कालिक आवश्यकता के लिए गठबंधन होते हैं, इनका कोई दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं होता। तो अब ये देखेंगे तीनों दल की आगे क्या स्थिति है। ठीक, अशोक भारती जी, क्या आज की तारीख में दलित एक बार फिर से मायावती पर भरोसा कर पाएगा? ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जिस तरह से साइकिल की सवारी पर करके हाथी के 10 सीटें हासिल करना और फिर साइकिल को पंचर करके छोड़ देना, अबेंडन कर देना उसको, एक वोटर भी कहीं ना कहीं खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था ना जब ये गठबंधन हुआ था, दलित वोटर की खास तौर पे बात कर रही हूं। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जो दलित इंटेलिजेंसिया है, दलितों के जो सामाजिक नेता हैं, वो बहन मायावती के इस कदम के बहुत खिलाफ हैं, बहुत गुस्से में हैं, और बहन मायावती और उनकी पार्टी ये मान के चले कि इसका नुकसान उनको लाजमी है। हालांकि 2022 में राजनीतिक सिचुएशन क्या होगी, मैं ये नहीं मानता कि 2022 में एकला चलो वाली नीति आएगी, जरूर कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत है, ठीक है, उस और जिस तरह की विचारधारा को मानती है उसको लेकर मुझे लगता है कि उसके समांतर एक राजनीति जरूर खड़ी होगी, और बहन मायावती का मुझे लगता है कि उनकी राजनीति अब एक प्लेटो पर आ गई है, अब इस राजनीति को आगे खत्म होना ही है, ठीक है, अब उसका जगह कौन लेगा, ये सवाल भविष्य के गर्भ में है। भविष्य के गर्भ में है। आशुतोष मिश्र, एक बार फिर से गठबंधन की सियासत पर भरोसा करने के मूड में कांग्रेस है क्या? उत्तर प्रदेश तो राजनीति की बड़ी प्रयोगशाला बन गया। अगर आप अभी तक का देखिए, कांग्रेस का बात तो कांग्रेस जाने, लेकिन अगर अभी तक के जो इंडिकेशंस हैं उसमें तो नहीं लगता कि जो है निकट भविष्य में कुछ ऐसा होने वाला है। और ये वहां पे जो दो नए अपॉइंट हुए थे, प्रियंका गांधी और माधवराव सिंधिया, उनके अपॉइंटमेंट के समय भी राहुल गांधी ने कहा था कि 2022 के यूपी इलेक्शंस को ध्यान में रख के किए गए हैं। तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम ये समझते हैं कि जयराम विप्लव आपको तो सूट करता है, ये अलग अलग चलेंगे तो आपको सूट करता है। देखिए पूरा का पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया है जनता ने, और अब ये जो कह रहे हैं कि ये हट जाएंगे, उनका स्थान कौन लेगा, तो स्थान वगैरह जनता देने के मूड में नहीं है। जनता ने साफ कर दिया, जो काम करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो मुद्दों पर बात करेगा, और जिसकी नीयत साफ होगी, जो ईमानदार होगा, हम उसको चुनेंगे। तो केवल और केवल जातिवाद, परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर मेरी चौथी पीढ़ी ने ये महान काम किए थे, मेरी दादी से मेरी नाक मिलती है, इस आधार पर जनता नहीं चुनने वाली है। तो कांग्रेस भी आशुतोष से बहुत ज्यादा उम्मीदें नामदार की बात बीजेपी करती है जाते जाते।